एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, ईद आ रही है, मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों के साथ अपनी फेशियल रूटीन जो है वो शेयर कर लूँ। आजकल मैं कौन सा फेशियल किट जो है वो घर में यूज़ कर रही हूँ, किसकी हेल्प से मैं जो है ईजिली फेशियल कर लेती हूँ, क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। बहुत ही सस्ता टिकाऊ फेशियल आपके घर में ही हो जाता है। सैलॉन जाकर आपको तकरीबन 2,500, 3,000, 4,000 फेशियल के देने होते हैं, और आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है, जो 1500 वाला फेशियल था वो उन्होंने 2500 में कर दिया, जो 2500 वाला था वो 4500 में कर दिया। तो मैं तो बाबा घर में ही आजकल कर रही हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है मैं रूटीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा शाइन का फेशियल, ठीक है। ये मैंने इस तरह के ले लिए थे, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट प्राइस इसकी याद नहीं, 500 समथिंग का ये एक मुझे जो है ना मिला था पाउच, ठीक है। और पाउच कह लें, क्या कह लें इसको। और इसके अलावा जो है इसके मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ करना क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह की मेरे पास एक जो है वो किट है, ठीक है। ये मुझे दराज सेल से मैंने परचेज़ की थी, बहुत सस्ती मुझे मिल गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक 1200-1300 तक ये मुझे मिल गया था। बहुत अच्छा मेरे पास ये रहा है, इट्स बिन 2 ईयर्स आई एम यूजिंग इट, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें आपने फेशियल के लिए जो है ये वाली साइड्स यूज़ करनी होती हैं, ठीक है, फेस के लिए, और ये जो है ये अगर आपने पेडिक्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किट में सारी चीज़ें जो है मेरे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से ये एक सेल्स इसमें डलते हैं, और यहाँ से इसका जो फेस है वो चेंज कर लेते हैं। अभी मैं यही यूज़ कर रही थी सुबह उठ करना, मैं अपनी फेस मसाज करती हूँ, कोई भी ऑयल लगा लिया, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाकर इसको इस तरीके से आप ऑन करते हैं, तो ये आपको जेंटली आपकी स्किन को जो है मसाज देता है, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, इससे आपके जो है स्किन इससे रिलैक्स होती है, बहुत अच्छी ग्लो स्किन के ऊपर आता है आपका ना। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं अभी, क्योंकि मैं करने वाली थी ईद पे, मैं अभी फेशियल पार्लर नहीं जा रही हूँ, घर पे किसी वैक्स वाली फेशियल वाली को नहीं बुला रही हूँ, खुद करूँगी। अच्छा, कोई भी आप ले लें, कोशिश करें अच्छी वाली ब्लीच ले लें, आपके पास अगर कोई भी जो भी अवेलेबल है। मैं फ़िलहाल जो है ओलिविया की ले रही हूँ, ये बड़ा मुझे कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल भी पड़ता है। ब्लेसो की ले लें, कोई भी अच्छी वाली अगर आप ले लें, जेंसन्स वगैरह की, जो भी आपको सूट करती है, जो भी ब्लीच आपको सूट करती है वो आप ले लें इस तरह का। यहाँ पर मैं अभी ये वाली ले रही हूँ। सबसे पहले आपने ब्लीच अप्लाई करनी है, तकरीबन 15-20 मिनट्स, जितनी भी देर आपको लगे आपके देख लें अपने फेस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि आपने कोई भी स्क्रब ले लें आपके पास जो अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई इसी तरह की किट है कोई ब्रांड की तो वो आप ले लें। आपने स्क्रबिंग करनी है फेस की अच्छी तरह से, आपकी स्किन को जेंटली वो एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन के ऊपर से जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करेगा, ठीक है। तो वो आपने करना है तकरीबन अच्छे तरीके से। उसके बाद कोई भी स्पंज लेकर उसको स्क्वीज़ करके अच्छे से फेस अपना जो है वो साफ़ कर लेना है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, ये जनाब, ठीक है, नहीं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ये ब्राइटनिंग डीप क्लेंजर है, क्लेंजिंग करनी है तकरीबन 4-5 मिनट। उसके बाद स्किन पॉलिश मेन स्टेप है, इसको करने के बाद आपकी स्किन जो है वो अच्छे से एक ऐसा इफेक्ट आएगा ना, ग्लोइंग इफेक्ट, स्किन आपकी शाइन करने लग जाएगी और आपकी डेड स्किन लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी अच्छे से। 3-4 मिनट इससे आपने मसाज करनी है, अगर आपके पास इस तरह का मसाजर है उससे कर लें, नहीं तो हाथ जो है ना उससे कर लें जनाब, किसी से करवा लें, किसी छोटी बहन से करवा लें, बड़ी बहन से करवा लें, आपस में बहनें वगैरह कर लेती हैं। अच्छा जी, ये जो है ये स्क्रब है, ये एक्स्ट्रा था, ये फीट स्क्रब है, ये मैंने इसी में रखा है। अभी एक बास्केट आप बना लें इस तरह की, ताकि आपको पता हो कि यार ये मेरी फेशियल केयर बास्केट है, यहाँ पे सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये करने के बाद आपने मसाज क्रीम लेनी है और मसाज देनी है स्किन को अच्छे से। मसाज देने के बाद आपने जनाब क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब भी हम फेशियल करते हैं ना तो हमारे पोर्स ओपन रह जाते हैं, और अगर हम उनको बंद ना करें तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसमें चले जाते हैं। तो आपने ये मास्क, इसका बड़ा मिंट इफेक्ट इसमें होता है, क्ले मास्क है ये, ठीक है। आपने इसको, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने स्किन पे इसको अप्लाई करना है, आपके सारे जो पोर्स हैं आपके वो मतलब जो ओपन हो जाते हैं वो बंद हो जाएंगे, और आपकी स्किन जो है वो इससे ज़्यादा मतलब इसको 15-20 मिनट्स लगा रहने देने के बाद अपना फेस वॉश कर लें, और इस तरह से जो आपका फेशियल है जी ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं बस अब करने वाली हूँ, मैंने अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ। इंशाल्लाह पेडिक्योर भी आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। अच्छा, ब्रशेस का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड बात नहीं हुई है। आज वाला तो मैंने आपको दिखा दिया था, इसके अलावा जब मैं स्क्रब लगाती हूँ ना तो ये वाला लगा देती हूँ, ठीक है, ये भी स्क्रब वाला लगा लेती हूँ, और इसके अलावा ये वाला, ये भी बहुत लाइट वाला ब्रश है, ये भी मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। ये फॉम है, ये भी आप लगा सकते हैं, तो ये देखें जी इस तरह से। और ये जो है ये फीट के लिए है,
इसलिए फ़िलहाल अभी मैं मुझे ज़रूरत नहीं है अभी पेडिक्योर की, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, करवाऊँगी खुद नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिलहाल जस्ट हम फेशियल करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉरी मैं कंप्यूटर टेबल पर इसको भी रख के, क्योंकि यहाँ पर लाइट बड़ी अच्छी आ रही थी, मैंने कहा जल्दी से अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो शूट कर लेते हैं। चैनल को आपने बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सब लोगों को ईद एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। सूट भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी अपना ईद का। और जल्दी से ये फेशियल करें, मुझे बताएं आपको कैसा रिजल्ट इसका मिला है। इंशाल्लाह ताला मैं भी करके ग्लो जो है ना वो आपको ज़रूर चेक कराऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।